क्या सोचा? नहीं 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 नहीं, हमसे ये नहीं होगा, हम चोरी नहीं कर सकते। काहे? काहे का काहे? चौटाला मैडम का भौकाल देखा है आपने? और हमारा भूल गई? अरे हमने अगर चोरी की ना तो हमारी लाइन हाजिर कर देगी वो। नहीं की तो ही गोली मार देंगी। हाँ ऐसा सास है हम आपके, कुछ तो लिहाज कीजिए हमारा। उसी वारंटी कार्ड पे आप चल नहीं है अभी तक, ठीक है? हमने आपका लाइन हाजिर नहीं किया अभी तक। हाँ अभी कीजिए आप। हे भगवान, पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी हमारे पल्ले पड़ने के लिए, हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए, क्या बताया आपको। अबे रिटली खुजाना। रे दाद खाज खुजली के इकलौते ब्रांड एंबेसडर, कितना खुजाने तुमको। नहीं खुजाओगे ना तो मैं मम्मी नहीं बनूंगा। जा पुष्पा जी नवाब साहब, इनको अगर पता चल गया कि मम्मी मम्मी नहीं पापा है तो बवंडर हो जाएगा। रे 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 चुप चुप ना, समय जाओ जल्दी, चुप 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 चुप, देख लेंगे सीधा। अरे पुष्पा जी, अरे देखिए ना आपकी खुशबू पूरे फिजा में फैली हुई है और आप यहाँ हैं। नवाब साहब जी आइए। आप आइए। पता है आपको? बहुत लंबी उम्र है आपकी। हम अभी भगवान से कुछ और भी मांग लेते ना तो भी हमें मिल जाता। अरे तो डायरेक्ट आप हमको मांग लेती ना, तब ना आप इस थाने की मालकिन होती है। और फिर तमाम उम्र हम दोनों ठंडी वादियों में जीवन का लुप उठाते रहते हैं। नवाब साहब, एक आप है जो तमाम उम्र का बात कर रहे हैं और यहाँ पर आपका उम्र ही तमाम होने वाला है। नवाब साहब दिमाग खराब है क्या? अरे हम नवाब हैं नवाब, और नवाब से कोई इस तरह बात करता है? पुष्पा जी हाँ हाँ, कहाँ इसके मुंह लग रहे हैं। एक बात बताएं आपको, आप ना बड़ी शरीर है। क्या है ना, जो हमारा ये शरीर है ना ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन जो हमारा दिल है ना वो बहुत मेंटेन है। शरीर मतलब शरारती? वो तो आपके इस जलवा आफरोज खूबसूरती की गलती है भाई। कुछ साल पहले अगर आप हमारी जिंदगी में आई होती ना तो हमारे शाही खानदान के जो बच्चे है ना वो आपको मम्मी जान कहते हुए पुकारते। क्या कहते हैं नवाब साहब? क्या है ना कि हमारे पूर्वजों की मम्मी हम लेने आए हैं। नहीं नहीं नवाब साहब, आपकी जो पूर्वज मम्मी थी वो तो सर रानी महारानी टाइप का था ना। हाँ तुम पगला गए हो क्या तू? नवाब साहब बस बस जी आइए। कहाँ है? एनकाउंटर करवाने। नहीं नहीं एक मिनट, ये आपकी मम्मी है, आप बोलते हैं आपकी मम्मी है। हाँ तो पता तो लगाना पड़ेगा कि आपकी है कि नहीं है। उसके लिए आपको मम्मी बनाना पड़ेगा। हाँ आपको मम्मी बना के इसके अंदर लेटाना पड़ेगा इनके साथ। अगर शक्ल मैच हो गई तो ये इन्हीं की मम्मी है, शक्ल मैच नहीं हुई तो इतने प्राचीन धरोहर को अपना बनाने के लिए, हड़पने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए इनका एनकाउंटर किया जाएगा यहीं के यहीं। बना मम्मी। अरे बाहर में जाए मम्मी मम्मी। अरे हमारी कोई पूर्व की मम्मी मम्मी नहीं है या खुदा, हम दोबारा कोई मम्मी मम्मी लेने नहीं आएंगे। बनिए तो रख लो यार, बनिए तो। गए ना, क्या सोचा आपने फिर? भूल नहीं रही है मुद्दा? नहीं नहीं हमें कोई शौक नहीं भरी जवानी में मरने का। हाँ हाँ मगर एक काम कर सकते हैं हम। का? आपके लिए हम मदद का प्रयास कर सकते हैं। कैसे? चंद्रमुखी मैडम के सामने गिड़गिड़ा के है? मतलब उनसे गुजारिश करके। आपको पता नहीं है मगर गुजारिश में बहुत ताकत होती है। किसी से कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, हमको ही कुछ सोचना होगा। अरे मैडम 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 ये पन्ना पलट के जाना। भाई क्या बात है पुष्पा जी, खाना तो ऐसा जोरदार बनाया आपने, आपको वो होना चाहिए सेफ। सेफ अली खान? वो कैसे हो जाएंगे आप? नहीं जेंडर का तो कुछ ख्याल कीजिए। सेफ सेफ बावर्ची। हाँ सेफ सेफ, आपको हमारे हाथ का बना खाना अच्छा लगा, हमारे तो भाग्य खुल गए। मैडम जी आप सच में ये थाना बंद करने वाली हैं? सच में नहीं, पहले मैं सोच रही हूँ ठाणे को जो है ना बढ़िया लहंगा चोली पहनवाऊं, फिर उसकी कमर में मटकी देके कहूँ चल, फिर मैं उसे छेड़ूं, हैं? टीजिंग करूं, फिर मैं उस पे ताला लगा के उसको बंद करूं। सच में नहीं तो और के मजाक चल रहा है पुष्पा जी, एक बार जो कह दिया तो कह दिया। अरे पर आप काहे चिंता कर रही हैं? आपको हम अपने साथ लेके जाएंगे, आपकी नौकरी कहीं ना जाएगी,
आप हमारे संग चलना और वहां दिखाना ये बढ़िया टैलेंट अपना। रहने दीजिए ना मैडम। क्यों, हम पे कांटे हैं, हमारे साथ चलने में रहने दीजिए। नहीं नहीं, आपके साथ हम वैसे भी हंसते नाचते आ जाते हैं, मगर हम कह रहे कि इस थाने को बंद मत कीजिए, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए ये थाना तो उनका घर है। यही जो घर घर खेल रहे हो ना, उसी से सारी समस्या हुई है पुष्पा जी। अगर थाने को अपना घर ना, अपना कार्य स्थल समझ के काम किया होता तो आज यो दिन देखना ना पड़ता। और ये जो आप खाना खिला के ओवर फ्रेंडली हो रही हैं, और गुलगुले की याद दिला के जो आप मन ने भावुक करने की कोशिश कर रही हैं, तो यो पैंतरे अब मत करिए। आई एम टू एक्सपीरियंस्ड फॉर दैट। इब मैं शांति से खाना खाऊंगी और आप खड़ी रहेंगी विद फिंगर ऑन योर लिप। या इधर इधर खाना खा रही है, उधर खाना खा रही है, हमको डर लगा। संतू जी संतु, तुमने इस लड्डू में बेहोशी की दवाई मिला दी है ना, जिसको खाती वो टोन हो जाएगी। हाँ, तो तुम रेडी हो ना? हाँ। मेरे ये इसके ना हाय और नामी कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है, मेरे को लग रहा है पक्का कुछ करने वाली। संतु ही करेगी और कोई नहीं कर सकता। संतु आप ही करेंगे? संतु जी अभी तो कोई है नहीं ना इधर आसपास, तो अभी चुरा लेते ना, ये सब ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गजब, चलो 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 गजब। आइए, क्या बात है, ईव कौन सा नया स्वांग रचरी से चांडाल चौकड़ी। चौटाला मैडम, आपके लिए अब संतु की देहरादून वाली मौसी क्या लड्डू बनाती है। हाँ। देसी घी के लड्डू आपके लिए खास आए हैं। और अब मौसियाँ घड़ी आई पर चल रही हैं। लड्डू मुझे भी देना प्लीज। अंदर खाई खाई मुंह मीठा किया। दिखाओ भाई क्या है ये, एक मिनट, किस खुशी में बट रहे हैं लड्डू। रिश्ता पक्का हो गया ना मौसी का? नहीं नहीं, इसका। इससे? चीता से। राजा किस दिन? संतु तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया और तुमने हमें, तुम्हारी पुष्प को नहीं बताया, हमसे बात मत करो। नहीं पुष्प जी, वो अभी पता चला है। मेरा मतलब है कि अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड हुआ है। सच में घर घर खेल रहे हो ना यहाँ? अम्मा आप मुंह मीठा कीजिए ना, बच्ची को खुशी दीजिए, आपकी शुभकामनाएं दीजिए। नहीं ऐसा है, नहीं नहीं, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी कर रही हो तुम हैं? बिल्कुल ऐसा लग रहा कि कच्चा आम ही तोड़ लिया किसी ने, इतनी जल्दी क्या, बट कोई नहीं, डिसाइड किया है तो वेरी नाइस। लेकिन इस लड्डू पर जो सबसे पहला हक है ना, वो सीनियर का बनता है, इन्हें खिलाओ। ये जो जटायु की क्लासमेट है, सबसे सीनियर, इनसे शुरुआत कीजिए। ये बेहोशी की दवा मिले लड्डू पुष्पा जी ने खा लिए तो सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। सीनियर, आप हमारा प्रमोशन कर रही हैं मैडम। एज फैक्टर पुष्पा जी, एज में बताया ना कि वो जटायु की क्लासमेट। हाँ समझ समझ गए, उस हिसाब से। चलो भाई ठूसो जल्दी करो। क्या का 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 खा लेते हैं पुष्पा जी? ये देसी घी के लड्डू चौटाला मैडम के लिए आए, आप कहाँ से बीच में घुसा रही हैं? आप इनको खिलाइए, जाइए खिलाइए। यही सब जो टाइम पास करते हो ना, इसी की वजह से असली काम नहीं हो पाता। जब वो भिनभिना रही है मक्खी की तरह, तो क्यों नहीं ठूस रहे? खिलाओ। मैडम अब तो आप खा लीजिए। अरे एक मिनट, जरा अपनी केमिस्ट्री डेवलप करो। इब नब दंपंती एक दूसरे को खिलाएंगे। करो चलो। खिला खिला। अरे अब दुल्हन को तो खिलाओ। कहाँ है? आप ही हैं, खाइए खाइए हमारी संतोष। अब तो आप खा ही लीजिए। हाँ, अब तो आपका खाना बनता है। खा लीजिए मन। भाई as you all can see, I'm trying to lose some weight, तो मैं डाइटिंग पे हूँ। इन्हें खिलाइए, ये बिल्कुल चमरखी चल रही हैं। खिलाओ खिलाओ हमको, खिलाओ। खा तब अब खा लीजिए मैडम। हाँ। प्लीज, अब तो सबने खा लिया ना। हाँ, प्लीज मैडम अब खा लीजिए। जी हाँ, अब तो हर किसी ने खा ही लिया है, सिर्फ और सिर्फ आप बचे। आजा भाई गलुए। यस, ओह थैंक यू सो मच पूरे बॉक्स के लिए। हाँ
शादी का माहौल है, मिठाई तो होगा ही, कुछ नाच गाना हो जाए। मैं भी नाचूंगा। क्यों नहीं, तू ही तो है हमारी महफिल की जीनत। आ जा। था ना मैंने, करना मत कुछ भी घोटाला, क्योंकि अब आ गई है चंद्रमुखी चौटाला। पता था मन ने, स्वांग ना बल्कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तभी तो बिल्कुल सहज से भी मीठी चल रही थी बाणी। लल्ला के पापा, कतई हम साथ साथ हो लिए थे सारे। डांसिंग हो रहा है, कैमराडरी हो रही है, लड्डू ठुसवाए जा रहे हैं भैया। तू आतंकवादी हमला, आतंकवाद। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम को जब सब पता ही था तो लड्डू खाया क्यों। भाई अगर मैं तुम्हारा लड्डू ना खाती तो केस कैसे बनता तुम सब पे, रंगे हाथों पकड़े कैसे जाते S.H.O हसीना मलिक और S.I करिश्मा सिंह। इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने और ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर को बेहोश करने के आरोप में यू आर अंडर अरेस्ट। मैडम, जब तक हम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देते हम हार नहीं मानेंगे। अबे तेरी तो, हमें माफ कर दीजिए मगर उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका तो दीजिए। हाँ मैडम, आपको अपने गोपी की कसम, इज्दा इज्दा इज्दा, फिलहाल हमें माफ कर दीजिए। सॉरी सर, हरी हो गई, खुश हो गई। नहीं क्योंकि बचपन में हम इतने डिप्राइव चले हैं ना, हमारे साथ किसी ने कोई खेल ही नहीं खेले, कोई गेम ही नहीं खेला। और छुपन छुपाई जो कि हमारा फेवरेट गेम है, सुन रहे हो, हमारा एकदम बेस्ट फेवरेट गेम, किसी ने हमारे संग ना खेला क्योंकि हमारे से कोई छुप ही नहीं पाता था।
तो यो हसीना और करिश्मा कैसे छुप लेंगी और कैसे छुपा लेंगी वो ताबूत? हमारा एकदम बेस्ट फेवरेट गेम किसी ने मारे संग ना खेला क्योंकि मारे से कोई छुप ही नहीं पाता था। तो यो हसीना और करिश्मा कैसे छुप लेंगी और कैसे छुपा लेंगी वो ताबूत? देखा साड़ी के नीचे ताबूत है ना मैजिक, सो एंजॉय करो भैया आज तो। क्या ताबूत है? हाँ भाई महाराजा साड़ी के थान में से SHO आओ आओ सेंटर स्टेज पकड़ो, मेन आर्टिस्ट तो तुम ही हो। और वो कहाँ है तुम्हारी छोटी? ओ भाई सॉफ्टी आजा, बाहर ज्यादा मीठा खाएगी तो चिमरखी कमर कमरा हो जाएगी। हो गई मस्ती? ईव उठाओ यो ताबूत अपने कांधे पर और चलो पुलिस थाने। You are under arrest. मैडम जी रुकिए, आप इन्हें इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकती हैं। देखिए मैडम, हम जानते हैं कि आप चंद्रमुखी चौटाला हैं, लेकिन हसीना मैडम और करिश्मा मैडम लखनऊ की शान हैं। हाँ मैडम, इन्होंने हमें सुरक्षा दी है, स्वाभिमान से जीना सिखाया है, आत्मनिर्भर बनाया है इन्होंने हमें। और हमें ये भी सिखाया है कि हम औरतें कमजोर, अकेली या बेचारी नहीं होती। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो वो इसलिए क्योंकि हम उसे होने देते हैं। और हमारी करिश्मा मैडम और हसीना मैडम ने हमें गलत होने पर आवाज उठाना भी सिखाया है। देखिए मैडम, इनके लिए ना सही पर हम महिलाओं के लिए इन्हें एक मौका तो देना चाहिए ना। SHO और SI साहिबा, यो है आपकी कमाई, आपके काम ने यो कमाया है। दुनिया भले ही आपको समझे ना, आपको गलत ठहराए, लेकिन सच्चे लोग अगर आपके लिए खड़े होते हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सही जरूर किया है तुमने। और भाई आप जनता हैं, पुलिस जनता की सेवा के लिए है, और अगर जनता कह रही है कि उसे पुलिस पर विश्वास है और इन्हें एक मौका देना चाहिए, तो देन गर्ल्स शो मी व्हाट यू गॉट, जाइए केस सॉल्व करके दिखाइए।